वालेकुम, आज हम आए हैं चॉपस्टिक्स, इनका एक जो है वो कैफेटेरिया है टाइप और मेन मस्कन पे मौजूद है। तो ये कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने और ये मेन मस्कन चौरंगी मेरे सामने इस वक्त। और यहाँ पे जो है फ्राइड राइस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ चाउमिन वगैरह मिलते हैं, वो आपको टेस्ट करवा के ट्राई करके बताएंगे कैसी इनकी क्वालिटी प्रोडक्ट। तो क्या बना रहे हो? अब मैं बना रहा हूँ सिंगापुरियन राइस। ठीक है, सिंगापुरियन राइस में चिकन आपकी जो है ना वो चॉप हो की जाती है और स्प्रिंग अनियन है जो कि टेल साइड है और हेड भी अब है। इसके अलावा इसमें कैबेज आती है, सही है। और मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ बेल पेपर, येलो वाली बेल पेपर यूज़ करता हूँ। और कैरेट जाती है, कैरेट जूलियन कटिंग भी जाती है और क्यूब कटिंग भी जाती है स्मॉल में। अच्छा, इसके अलावा अपना ये जो है ग्रीन शिमला मिर्च आती है, ठीक है। ये तो आ गई आपकी, इसका बैकअप बन गया, ये आपने बैकअप उठा के रख दिया उसको ताकि वो एक अपीयरेंस अच्छी आती है। और ये सिंगापुरियन राइस में कहीं भी चले आए आपको इसी तरह की अपीयरेंस मिलेगी, चाहे आप अब्रॉड हो यहाँ पे हो। अच्छा, ये उसके अंदर राइस के अंदर मिक्स होता है? नहीं, राइस के अंदर नहीं। हल्के से हल्का सा करना है, बस इसको घुमा देना है। ये डायनामाइट सॉस है। ओके, इसी सॉस का सारा कमाल है। हाँ हाँ, ये आनी चाहिए, अच्छी एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं जब जाके बनती है, जब आके आपको पता चलता है कि हाँ यार ये सही है, ये होनी चाहिए, वरना कॉपी एंड पेस्ट तो कहीं से भी कर सकते हैं आप। अच्छा, ये खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लुक निकल कर आ गया इसका। असल में सर्दियों की वजह से ना ये थोड़ा आउटले बना है और इस टाइम पे सर्दी भी बहुत टॉप की हो रही है। पूरा फूड स्ट्रीट है यहाँ पे, ये फूड स्ट्रीट जी एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये चॉपस्टिक के नाम से जो है इनका कार्ट मौजूद है। ये जो है वो हम चॉपस्टिक आए हुए थे और ये हमारे लिए इन्होंने फ्राइड राइस विद चाउमिन सर्व किया इन्होंने, और इनका कोई स्पेशल सॉस है, ये अदनान भाई की पूरी मेहनत है, अदनान भाई ने बनाया। अच्छा, हम इसको टेस्ट करके रिव्यू करवाता हूँ अदनान भाई के सामने ही ना, ये पूरी इनकी मेहनत है। तो मैं चेक करवाता हूँ आपको किस तरीके के इनके जो फ्राइड राइस विद चाउमिन है वो कैसे हैं। और ये बहुत ही जो है ना मस्टर्ड हुआ है मैं सॉस के अंदर, राइट। यार जो सॉस का कमाल है ना वो मत पूछा, पूरा जो फ्लेवर है इसके अंदर, इसका जो है अपना सॉस का है और राइस का है। और इसके अलावा ये है कि ऊपर से जो इन्होंने इसके अंदर गार्निशिंग करी है और फिर जो इसके फ्लेवर जो हैं वो उसके हैं सैलेड के, वो बहुत अलग है, बहुत लेवल के। अच्छा, नन में मुझे आप ये बताएं कि ये तो आप बहुत ही अच्छा आपने जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनाए,
आप ये बताएं कब से काम कर रहे हैं आप, ये जो बनाने का कर रहे हैं चाउमिन वगैरह? चाउमिन तो मैं तकरीबन मुझे अभी 22 सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था। ओके, इससे पहले तो मैं रेस्टोरेंट वगैरह में था। ठीक है, वहाँ करके करता था। अच्छा, रेस्टोरेंट में जॉब करते थे? हाँ, मैं। ठीक है, मैं लास्ट ब्रांच पहले ज्यादा यूनाइटेड किंग में। ओके ओके ओके, यूनाइटेड बेकर्स, यूनाइटेड किंग, यूनाइटेड किंग। ओके, इससे पहले मैं फ्लोर मैनेजर भी रहा हूँ, प्रोडक्शन मैनेजर भी रहा हूँ। ठीक है, शेफ सादत थे चौकसाई में, उनके साथ भी रहा हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत सिखाया है सब कुछ। शेफ सादत मसाला टीवी? जी बिल्कुल, नईम साहब थे, वकास साहब थे चौकसाई में, इसके अलावा ऑपरेशन मैनेजर थे यूनाइटेड किंग के, अपना रजल साहब और एक और के हमारे ऑपरेशन मैनेजर, अभी हम मेरे उनके ज़ेर नहीं आ रहा। बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की। इस कुकिंग के काम में, और इनके काम में भी वहाँ पे अली थे यूनाइटेड किंग में। ठीक है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उसके अलावा ये कि शौक की बात होती है, आपको अगर शौक हो तो शौक है तो फिर आप, फिर मैंने अपने एक दोस्त को लेके आया जिंस वाई से, वो कुक है। ओके, जिंस वाई तो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो अब जिंदा नहीं है मेरे साथ, जो है ना, नहीं अब वो मेरे साथ नहीं है यहाँ पे। okay. तो मैंने इसको हटा दिया अपने पास से, और जो है वो कहीं और वो अपना काम कर रहा है। मैं उसके साथ लगा रहा, मैंने जो है अपना साफ बात है, मैंने उससे सीखा सब कुछ। ठीक है, तो मैंने सारा बैकअप सीखा कि बैकअप किस तरह बनता है सारा। okay, okay. बाकी ये देखिए टेस्ट अलग, ये तो हमें नजर आ रहा है इसके अंदर कि आपने सीखा, और सीखने के बाद जो आपकी इम्प्लीमेंट है ना, वो बहुत जो है ना, इसका लुक और उसका टेस्ट मेरा हाथ नहीं रुक रहा। बहुत सच्ची बात ये कि अगर आपके दिल में सच्चाई हो ना, अगर आप देखिए हर कोई कारोबार में आजकल सोचता है कि यार मैं ज्यादा कमाऊँ, आप कमाएं जरूर कमाएं, मैं ही नहीं कहता, लेकिन कमाएं उस वक्त जब आप जो है ना किसी को अच्छा डिलीवर कर सके। देखिए उसके लिए आपको जो है ना अच्छी चीजें लानी पड़ेंगी, मार्केटिंग करवानी। अच्छा, मुझे आप ये देखिए, अब मेरे घर में भी आता है, अब मुझे पता है कि मैं सारी बाहर की सॉसेस यूज करता हूँ, तो वो लाजमी टेस्ट आएगा। अब अगर मैं की ब्रांड यूज करूंगा तो उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा बिल्कुल, टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। या फिर मैं कोई भी यूज करूंगा लोकल सॉस, फायदा नहीं है, मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी होममेड सॉस है राइट? ये मेरी होममेड है, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसका। अच्छा, बेसिकली मुझे ये बताएं कि ये जो आपका कार्ड खड़ा हुआ है, कोई इशू, ये जो आपका कार्ड खड़ा हुआ है यहाँ पर मस्कन पे चॉपस्टिक के नाम से, तो ये कहाँ कब से खड़ा हुआ यहाँ पे, तकरीबन कितना अर्सा हो गया इसको? मैंने जब बारिश हो रही थी जब ये मैंने बनवाने के लिए दिया था, तो इन दिस सीजन ऑफ अगस्त एग्जैक्टली। ओके, तो मेरा काफी डिले हो गया बनते बनते, क्योंकि वहाँ भी बारिश हो रही थी जहाँ वो बना रहे थे, तो प्रॉब्लम हुई। और 22 सितंबर को मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, और मैं ये हर जगह ये बात करता हूँ, पता नहीं या तो कोई ऐसा कोई तकिया का नाम नहीं है, मैं कहता हूँ जब भी अगर आप भी कल कला को अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी जो है आप जो है प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, ठीक है, जो भी आपकी वायरल हो जाएगी वो मिलियंस में चले जाते हैं व्यूज वगैरह। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अल्लाह को पार्टनर बनाएं, सिर्फ एक दफा मेरे कहने में, मैंने अल्लाह को पार्टनर बनाया, आप कोई थोड़ा हिस्सा निकालें अल्लाह का, बेशक, और फिर आप ये तो हकीकत है, ये शूट कर जाएंगे, हकीकत है। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं कि जो आपका कार्ड खड़ा हुआ है, इसका कोई ऑनलाइन जो है वो प्रोसीजर है कि आपको कोई टच करना चाहे, वो किस तरह आपको ऑनलाइन टच कर सकते हैं? फूड पांडा पे अवेलेबल है? फूड पांडा को मैं रेफर नहीं करूंगा। ओके, नहीं, फूड पांडा मेरे घर पे भी आते थे और आते हैं और बहुत लेट करते हैं, मेरे पास जो है अपने प्राइवेट राइडर्स हैं। एग्जैक्टली, हमने क्या किया, एक अकाउंट बनाया कॉर्पोरेट अकाउंट, हम साथ ये फूड स्ट्रीट है, इसमें डोसा वाला है, मैं हूँ, ये अपना मस्कन बर्गर है और ये वॉफल है। हमने एक अपना कॉर्पोरेट अकाउंट बनाया और उसमें जो है हमारे पास बाइकी और ये इन ड्राइव से राइडर्स वगैरह फॉरन व्हाट्सएप पे डालते हैं, फॉरी गो के नाम से वो हमारे ग्रुप है, उसमें हमारे पास फॉरन राइडर आते हैं और वो ले जाता है और डिलीवर कर देता है। okay. उसकी अपनी फीस होती है, वो फीस ले वो तो ठीक है। और इसके अलावा आप कह रहे हैं इंस्टाग्राम का पेज वगैरह आपका, तो वो किस नाम से? चॉपस्टिक्स के नाम से। ओके, चॉपस्टिक के नाम से आपका chopsticks.h। ठीक है, और ये फेसबुक पे। ओके, और आपसे कोई डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना चाहे, वैसे कोई बड़े पैमाने पे बनवाना चाहे, शादी ब्याह वगैरह या जो वो मामला होते हैं उस लेवल पे आप जाना चाहते हैं? अभी मैंने दो ऑर्डर्स किए थे, वो इतने बड़े तो नहीं थे, उन्होंने तकरीबन 30-30 ऑर्डर किया था। ठीक है, वो तो मैंने कर दिया था। बाकी शादी ब्याह के मामला का तो सच्ची बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कर लूँगा, लेकिन पहले मैं उनसे डिस्कस करूँगा और फिर मैं अपने कोई भी दोस्तों को बुलवाऊंगा जो कि किचन के अंदर है। शेफ तो देखिए असल में हमारी ना शेफ बहुत आसानी से बन जाता है, 4 महीने की और शेफ बन गया। शेफ बनने में सर सालों लगते हैं, उसका टेस्ट लाने में टाइम लगता है, सालों लगते हैं। और शेफ वो होता है जो कि कॉन्टिनेंटल चाइनीज पाकिस्तानी ईच एंड एवरीथिंग बाहर से ट्रेनिंग लेके आता है, वो शेफ। ठीक है, बेसिकली
कुक कहने हमें, हम कुक हैं। ओके ओके, अच्छा हम अच्छा कुक कर लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं। अच्छी बात है, ये अपनी इंटरेस्ट की बात होती है। ये अच्छी बात है। और आप अपना नंबर वगैरह शेयर कर दें, कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे। नंबर है 0316 देन अगेन 1621280 अतान मेरा नाम है। ओके, एक बार और रिपीट कर दिएगा। 0316 1621280 ठीक है। तो ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर था। बिल्कुल। और ये चॉपस्टिक के नाम से इनका जो है वो ब्रांड यहाँ पर है, और ये मेन मस्कन पर मौजूद है। आप इनका इंस्टाग्राम पेज भी चेक कर सकते हैं, वो आप जाकर चॉपस्टिक के नाम से चेक करें और जरूर शेयर करें। और मुझे तो बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस लगा, आप भी जरूर एक्सपीरियंस करें चॉपस्टिक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।